अब बहुत सारी कंप्लेन तो ऐसे ही, चूहों ने काट दिया तो उसका जो सेंसर है वो काम करना बंद कर दिया और ये साइन ऐसे आ जाता है। कभी आया नहीं तो मैं इसको करके दिखा नहीं सकता। जिसके में रिजर्वेशन का ऑप्शन आता है, मतलब रिजर्वेशन अगर मांगती है ना तभी वो साइन वगैरह आते हैं, और उसी के बाद ही वो ऑप्शन आएगा रिजर्वेशन करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। क्या हाल चाल है, आई होप कि सब प्रोडक्टिव कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। तो भाई मैं आ गया हूँ फिर से एक बढ़िया सा वीडियो लेके आपके लिए, क्योंकि मेरा काम आपको पता है कि आपके सवालों के जवाब देना। अभी आज के इस वीडियो में सीधा चर्चा करेंगे, थंबनेल आपने देख लिया होगा। वैसे तो अभी मैं पहले बता देता हूँ, काम जयपुर में ही हूँ, सीतापुरा, और कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में अभी मैं अचानक याद आया कि यार वो वीडियो तो बनाना था वो तो भूल ही गए। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ ये, और इसमें अपन चर्चा करेंगे DPF और DEF, ठीक है। इन दोनों की एक गुत्थी है भाई, एक हमारे बोलेरोनियो का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ये चर्चा चलती रहती है कि भाई फंसे पड़े हैं लोग और एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बोले यार ऐसे नहीं होता ऐसे होता, आपस में एक दूसरे के विचारों से लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं क्लियर कर दूंगा भाई कि अपनी बोलेरोनियो और आजकल BS6 जो आ चुका है उसमें ये DPF DEF का क्या रोल है, क्या है ये, क्या माजरा है, और अपन को इससे क्या दिक्कत आती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बीच में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप क्या करते हो, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप तो बिजनेसमैन हो, हम नौकरी शुदा वाले हैं तो नहीं कर सकते। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, पहला तो मैं बिजनेस करता हूँ अपना, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और हैंडीक्राफ्ट हो गया, वुमेन क्लोथिंग, वुमेन अपैरल, एथनिक में जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ, आउट ऑफ इंडिया अपना मटेरियल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी अपना है इन हाउस, उसके रिलेटेड अपन मीटिंग करते रहते हैं, और जयपुर से हूँ भाई मैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आप लोग भी भाई इस गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ बड़ा रोल नहीं है ये, जब 10-11 लाख में आ रही है तो मेंटेन कर ही सकते हो। तो अभी देखो मैं आ गया हूँ इधर, आपको दिखाता हूँ हल्दी घाटी पे, और अभी मेरे को अभी भी यहाँ पर भी एक मीटिंग में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या है कि वीडियो तो कंप्लीट कर ही दूंगा, टुकड़ों में कर दूंगा, लेकिन वीडियो बनाना भी तो ज़रूरी है भाई, है। अभी देखो फंस गए, अपने को निकलना था लेफ्ट और अपन रह गए बीच में, ठीक है, अपन रह गए बीच में, लेफ्ट निकलना था, वीडियो के चक्कर में अपन रह गए फंस गए। तो अपन बात करते DPF और DEF। DEF क्या होता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, पहला पॉइंट क्लियर। और DPF क्या होता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब दोनों में ये एक दूसरे से रिलेटेड है, BS6 जब से आया है तब से गवर्नमेंट के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अंडर में सभी गाड़ियाँ जो भी डीजल इंजन गाड़ियाँ हैं उसमें ये भाई ये BS6 में आए हैं, ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है डीजल गाड़ियों में, जो लोग कम रनिंग करते हैं या रनिंग करते ही नहीं है, घर में खड़ी रहती गाड़ी ले ली, और कम टेम्परेचर है जहाँ पे, जैसे यूके उत्तराखंड में यहाँ पे हिली एरिया में जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, और गाड़ी को मतलब चलाते हैं लेकिन आसपास चला लिया, थोड़ा इसका जो RPM है, जो RPM की मैं बात करता हूँ ना, तो RPM जब इसका जो 4 से ऊपर जब तक नहीं जाता ना तब तक आपका ये प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप ड्राइव करते हो तो इस गाड़ी को इस तरीके से ड्राइव करो तो RPM 4 तक चला जाए, ठीक है, और थोड़ा सा कांस्टेंट स्पीड में चला, मतलब 4 तक जाता रहे। माता जी रुको एक बार, बहुत चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही, माता जी को भी नमन किया, काम पूरा करेंगे आपको बताएंगे ज़रूर। तो वो प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, बस मैंने आपको बताया रीज़न यही है कि आपकी गाड़ी की रनिंग नहीं हो पाती है उस RPM तक, गाड़ी आपकी जाती नहीं है, और अगर उस RPM तक गाड़ी जाएगी नहीं तो ये आपके डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है, नहीं क्यों मेरी गाड़ी नहीं जा सकती क्या इधर, है भाई क्यों हॉर्न मार रहे हो। अभी मैं थोड़ा आगे साइड में लगा के बात करता हूँ, अब लगा लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर ही है जो बंदा आएगा उसके मीटिंग करना है, वो फैक्ट्री में लेके जाएगा मुझे आगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ वो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वो हो जाता है चोक क्लोग्ड, DPF होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब फिल्टर DPF जो फिल्टर है BS6 में भाई लग रहा है, सभी गाड़ियों में लग रहा है, BS4 आया था, अब गवर्नमेंट ने सीधा BS6 कर दिया, और अब टाटा जैसी गाड़ियों में भी अब नहीं आ रहा, उसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी, लेकिन अब आने वाला है, जो भी नई गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें आएगा भाई ये चीज़ें, अपने बुलेरो नियो में ही नहीं है ऐसा, एक सेकेंड है ना। और गाड़ी की रनिंग कम होने की वजह से ये
क्लोग्ड हो जाता है और आपको रिजर्नेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें रिजर्नेशन का साइन आ जाता है, तो रिजर्नेशन करना पड़ता है। इसमें कोई बड़ा वो लोचा नहीं है। कुछ में क्या हो जाता है कि क्या समस्या आती है, रिजर्नेशन का साइन आ जाता है लेकिन उधर DPF का जो है ना वो साइन नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो वायर है ना, वायर वो कट जाता है उसके सेंसर की वजह से। अब बहुत सारी कंप्लेन तो ऐसे ही, चूहों ने काट दिया तो उसका जो सेंसर है वो काम करना बंद कर दिया और ये साइन ऐसे आ जाते हैं। लेकिन अगर रियल प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर आपका DPF चौक है तो आपका इसमें रिजर्नेशन का साइन आ जाएगा ग्रीन कलर का, और वो क्लोग्ड का वो आपका उसमें साइन वो अलग से रहेगा। तो फिर इसमें रिजर्नेशन का ऑप्शन आता है, आप इसमें कर बटन दबान रिजर्नेशन में जाके वो मैं आपको बता दूंगा कि रिजर्नेशन कैसे करते हैं ना, तो वो आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये गाड़ी 4 के RPM तक एक्सीलेट करती है खुद को, और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस रिजर्नेशन का पॉइंट को क्लिक करके ओके करके छोड़ देना है, एक्सीलेटर पे कुछ नहीं करना, अपने आप वो 4 के RPM तक 10 मिनट तक वो अपने आप आइडल मोड में करती रहती है, एक्सीलेट करती रहती है, और वो जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में जो कचरा जमा होता है ना उसको बंद कर देती है, फिर वो क्या क्लीन हो जाता है। तो बस सिर्फ इतना सा है भाई, DPF का मेन यूज इसलिए है कि भाई कारक जो अपने इस गाड़ी से निकल रहे थे ना वो अभी वहीं पे कलेक्ट कर लेता है भाई उसमें DPF में, और वो फिर जब एक साथ जम जाता है ना तो फिर उसको बर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बर्न करने के लिए, बर्न करने के बाद अमोनिया रिलीज होती है जो कि अपने पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं करती है, तो ये इसलिए भाई लगाया गया था, ठीक है। तो भाई ये वाली है DPF का इशू। अब इतने सारे कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई DPF आ गया, ये है, इसमें गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, हमें डीजल इंजन गाड़ी क्यों ले भाई, ये आपकी ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम भाई मेन तो यही है कि तुम चलाते तो हो नहीं इस गाड़ी को, घर में ले जाके खड़ी कर देते हो, ठीक है, आप सिटी में चला रहे हो, कम रनिंग है, तो फिर भाई ये दिक्कत आएगी। आप उसको एक बार महीने में एक बार हाईवे पे लेके निकलोगे 10-5 किलोमीटर तो भाई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आ भी जाती रिजर्नेशन का भाई ऑप्शन दे तो रखा है, फिर क्या कहाँ आप बता रही है। तो चिल होके मस्त होके गाड़ी चलाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी धनों में, है ना। और मेरे को आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो एक बार आई थी जो ट्रिप पे था, तो उस कंडीशन में क्या था कि वो होस पाइप लीक था और बाकी चीज़ें कुछ नहीं थी, वो कर दिया गड़बड़ उन्होंने, मेरे को पता नहीं था, एक्चुअल में ये थी भाई बात। तो इस वीडियो में आपको रिजर्नेशन, क्यों मेरे पास तो कोई ऑप्शन आया ही नहीं है रिजर्नेशन का, इसमें कभी आया नहीं तो मैं इसको करके दिखा नहीं सकता। जिसके में रिजर्नेशन का ऑप्शन आता है, मतलब रिजर्नेशन अगर मांगती है ना तभी वो साइन वगैरह आते हैं, और उसी के बाद ही वो ऑप्शन आएगा रिजर्नेशन करने का। जब किसी आप अगर सर्च करोगे ना तो किसी का दिख जाएगा आपको वीडियो, लेकिन मेरे पास है ही नहीं ऑप्शन तो मैं करके दिखा नहीं सकता। हालांकि उसमें जब आप सेटिंग में जाते हो तो इसके आगे रिजर्नेशन का पॉइंट आता है, जैसे उस पर ओके करते हो कि ऑटो रिजर्नेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट रिजर्नेशन। तो जी इतनी सी बात है। DEF बोलते हैं जो यूरिया होती है ना, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, तो उसको यूरिया बोलते हैं आसान भाषा में। लेकिन यूरिया खेतों वाला यूरिया नहीं होता भाई, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो डलता है आगे। चलो इस वीडियो को भाई अपन कर देते हैं एंड। अगर आपको कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है भाई, तो आप कमेंट कर सकते हो अपने, और मैं उसका पूरा आपको बताऊंगा भाई सॉल्यूशन जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है जी। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, फिर से मिलते हैं, अपना काम सलटा लेते हैं, निपटा लेते हैं, फिर जैसे ही टाइम मिलेगा फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाय। जय हिंद, जय भारत।